हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल शुभम तिवारी ब्लॉगर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे हनमना बाज़ार, जो कि वर्तमान में रीवा ज़िले में पड़ता है। और अगर आप रीवा से द्रामलगंज के तरफ से जाते हैं तो आपको हनमना बाज़ार पड़ेगा, और अगर आप इधर सीधी ज़िले से बनारस जाते हैं अमिलिया के तरफ से तो भी हनमना बाज़ार आपको पड़ेगा। तो आज हम आपको वही हनमना बाज़ार दिखाएंगे, और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी किया करो ताकि हम और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। अपने तरफ से तो हम बहुत अच्छा बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, हम आपको फिर दिखाते हैं हनमना बाज़ार कैसा है। हनमना बाज़ार तो वीडियो में बने रहें, तो चलिए दिखाते हैं आपको हनमना बाज़ार। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हनमना में, और ये सामने आपके एक्सलेंसी स्कूल है हनमना की। और हनमना में ख़ास बात ये है कि आप हनमना में चारों तरफ की बस आपको मिल सकती है, बनारस, प्रयागराज, रीवा, सीधी, सूरत, नागपुर, क्योंकि यहाँ बगल में से ही हाईवे है। और हनमना बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है, जो कि चारों तरफ के लोग जानते हैं हनमना बाज़ार का, क्योंकि पुराना बाज़ार है तो लोग आना जाना लगा रहता है, पहले से ही था और अभी भी है। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। अभी मैं हनमना बाज़ार में प्रवेश कर चुका हूँ, देख सकते हो वीडियो में आप। और ये बसें हैं जो कि अभी ये आपको, आप जहाँ जाएंगे आपको मिल सकती है यहाँ से बस। और ये सामने बिल्डिंग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग है, स्कूल है, बस स्टैंड है। बहुत अच्छा लगता है हनमना बाज़ार। आपको कैसा लगा आप भी बताइएगा कि हनमना बाज़ार आपको कैसा लगा। और सामने एक और स्कूल है जो कि गर्ल्स स्कूल है हमारे हिसाब से लगता है, हाँ गर्ल्स स्कूल है दोस्तों, देख सकते हो आपके सामने है। और इधर नगर पालिका की गाड़ियाँ हैं जो कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान के लिए अधिक से अधिक जोर देते हैं, जो कि हम सभी का दायित्व तो होता है कि कोई भी कचरा हो डस्टबिन में ज़रूर डालें। तो यही ये देख सकते हो, इधर सब्जियाँ लगी हैं, हनमना बाज़ार की सब्जियाँ इधर ही लगती हैं। अब किस दिन लगती है ये तो मालूम नहीं है, दिन लगा के यहाँ पे लगती है। और हनमना बाज़ार काफ़ी पुराना बाज़ार है तो बड़े क्षेत्र में भी फैला है, और अच्छा लगता है। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें यार दोस्तों, क्योंकि
क्योंकि मेहनत से वीडियो बनती है। और इधर भी देख सकते हो आप, मोबाइल की दुकानें हैं, मिष्ठान भंडार की दुकानें हैं और फलों की दुकानें हैं। सभी दुकानें मिलती हैं हनमना बाज़ार में, और मोबाइल की सब की है दुकान। अगर आप सीधी से प्रयागराज या बनारस जाते हैं तो हनमना बाज़ार एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी तरफ से आपकी बस जाती है। तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। और यही बाज़ार को खूबसूरत बनाता है, एक एक दुकान तो ही बाज़ार को खूबसूरत बनाती हैं, और एक एक दुकान से ही बाज़ार बड़ा बनता है। तो रोड के अगल बगल चारों तरफ हनमना बाज़ार फैला हुआ है, और हनमना बाज़ार कहें तो वैसे तो अब वर्तमान में कहते हैं कि मऊगंज ज़िला बन जाएगा, तो हनमना बाज़ार मऊगंज ज़िले में आ जाएगा। अभी तो वर्तमान में रीवा ज़िले में है मऊगंज, और मऊगंज बनने ज़िला बन जाएगा तो फिर हनमना बाज़ार उसी में शामिल हो जाएगा, रीवा से कट होकर। इधर देख सकते हो आप, तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और आप लोगों को हम अधिक अच्छे बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। और सपोर्ट करें आप लोग हमें भी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हनमना बाज़ार आपको कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।